तो नासिर भाई और कुमैल भाई हमारे साथ हैं, तो आज ये जाहिर है दो लोगों का मशवरा होगा। अभी तक का स्कोर देख लें नासिर साहब और कुमैल साहब, ये एवरेज स्कोर में बुशरा आप तक नंबर वन है इस हफ्ते के मेहमानों में, 6.6 है एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर मतलब है कि जितने रन बनाए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, ठीक है। आज तो कराची किंग्स भी जीता है तो आज आपको जीतना चाहिए। हम बढ़ते हैं पहली गेंद की जाने, चले भाई नासिर साहब कुमैल भाई, ये जरा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसके इसमें से एक जो सही जवाब है वो इन तीनों में के पास है, तो ये तीनों आपको इस सवाल का जवाब देंगे जिसमें से दो लोग गलत बताएंगे और एक का जवाब बिल्कुल सही होगा। आप दोनों आपस में मशवरा कर सकते हैं। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। सवाल मासूमाना ये कि ये सरीर खामा जो उर्दू का लफ्ज है, सरीर खामा यानी जो इस्तेमाल किया गया इस शेर में, इसका क्या मतलब है? ये तीनों में से किसी एक के पास सही जवाब है। आप बताएं कुमैल साहब कि हम इनमें से किससे पहले सवाल पूछें, तीनों से यानी किससे कहेंगे जवाब बताएं, फिर फैसला करेंगे किसका जवाब सही है, उसके बाद फिर दूसरे से पूछ तीनों से, हाँ दूसरे से, फिर तीसरे से ही पूछेंगे, फिर उसके बाद फैसला होगा। किनसे पूछूंगा? किनसे? कराटे वाले अंकल से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आप अजान दिया आपने मुर्गे की तरह, क्या कर रहे हैं? ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है। अच्छा अच्छा ठीक है। शरीर खामा हाँ। ये जो शेर है जी जी। अगर आप इस शेर के पीछे जो पस मंजर था उसको देखें, अच्छा, तो एक महबूब अपने महबूब से मिलने हाँ। रात के पिछले पहर चौदहवीं की जो रात की जो रोशनी होती है उसमें जो दबे पांव हाँ। दबे पांव जो आता है उन कदमों की आहट को, जिसको आहट कहते हैं हाँ। उसको असली में शरीर खामा कहते हैं। अच्छा, यानी वो ये कह रहे हैं कि एक चाहने वाला अपने चाहने वाले से चौदहवीं की रात को जब दबे पांव मिलने आते हैं तो उसको कहते हैं उर्दू में शरीर खामा। ये एक जवाब है। अगला किससे पूछें? तीनों जवाब हाँ जी सर। और आदि भाई देख लें, मतलब गलत जवाब बताया तो फिर आप जाने नासिर भाई जाने, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, आते हुए आधा किलो तक। अपने स्क्रिप्ट पढ़े यार, क्या पढ़े? गलत उठा। शरीर खामा हाँ, शरीर खामा जी जी, शरीर खामा। ओ भाई मतलब बताना है इसका। सब मिल के कहेंगे शरीर खामा, जोर से कहें शरीर खामा, शरीर आराम से कहें शरीर। इसका मतलब बताना है भाई, क्या होगा? शरीर खामा कहते हैं महबूब हाँ। जब तकरीबन अपनी आखिरी सांसों पे होता है, अच्छा, लेकिन मौत के वक्त भी अपनी महबूबा को याद करके जो हल्की सी आवाज में उसको याद करता है, उस आखिरी आवाज को कहते हैं शरीर। क्या कहते हैं? ठीक है। कोई चाहने वाला अपने चाहने वालों से जो आखिरी लम्हात की गुफ्तगू कर रहा होता है वो कहते हैं, इसको कहते हैं शरीर। नहीं, गलत बोला ना आप, सॉरी। अच्छा, उसको कहते हैं शरीर खामा ना, आराम से बोलते हैं ना, आखिरी सांस है यार उसका, आराम से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? शरीर खामा। वाह सही, कैसे दिया? शरीर खामा, खामा खामा। अच्छा बस ठीक है यार। अच्छा ठीक है सर, इनसे पूछें कदमों की आहट और आखिरी जुमले महबूब। हाँ भाई आप बता दें भाई। मैं जवाब से पहले नासिर भाई एक छोटी सी चीज दुनिया को बता दूं, आज कराची लाहौर का मैच नहीं था, अच्छा? आज बिरयानी और पुलाव का मैच था। अच्छा। और दुनिया को पता चल गया बिरयानी बिरयानी होती है, पुलाव पुलाव ही होता है। ठीक है, कितने दिन से बिरयानी जल रही थी, लेकिन आज बिरयानी थोड़ी जल गई लेकिन स्पाइसी है, मजे की थी। अच्छा जी, शरीर खामा कहते हैं जब हाँ। ये वसीम भाई, यूनिस भाई जैसे स्टार लोग किसी को ऑटोग्राफ देते हैं हाँ। तो जो पेन की रगड़ होती है हाँ। वो जो कलम की रगड़ होती है उन्हों कहते हैं शरीर खामा, वो खसर खसर नू। अच्छा, यानी कलम की आवाज को आहो। अच्छा ठीक है, कलम की आवाज, आखिरी आवाज और कदमों की आवाज हाँ। वैसे अभी जवाब लॉक नहीं कर रहे, लेकिन आपका पहला ख्याल क्या है, इनमें से कौन सही कह रहा है कुमैल साहब? ये पहलवान भाई, ये वाले भाई, बीच वाले भाई, आदि भाई। अच्छा भाई, आपको पहला ख्याल क्या है नासिर भाई, ये कौन ठीक कह रहा है इनमें से? हम तो जिसकी इतनी प्रेडिक्शन सही आई है। अच्छा आप सिंपल कर दिया कि इजी है भाई, वो ज्यादा सही बोल रहा है तो इस बार में भी यही सही बोल रहा हूं। अच्छा, एडवाइस ले सकते हैं? हां हां बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे ये लगता है जैसे ये मजामी ख्याल में ना, तो मजामीन ख्याल में, तो मुझे लगता है कि आतिफ भाई जो है यानी कोने वाला भाई। अच्छा, वैसे मेरी उर्दू कोई अच्छी नहीं है नासिर भाई, ए भाइयों ने मैंने लिख के दे दी तो मैं आप ही पढ़ देता। अच्छा, अब मेरे से भरोसा नहीं सर, फैसला आपका ही है। तो अभी तक तीन में से दो वोट यानी कि कुमैल भाई का और यूनुस भाई का है, आतिफ के आतिफ के हक में नहीं, बल्कि हाँ यूनुस भाई का और नासिर भाई का वोट है आतिफ भाई के हक में, और कुमैल भाई का वोट है आदि के हक में।
आप मशवरा करते हैं, मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकंड दे सकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। तो ये हाँ जी, सो बेटे कुछ और सोच रहे हैं अब, या वालिद ने बेटे को कन्विंस करना है कि भाई मेरा वाला जवाब लॉक कर दो, या बेटे ने वालिद को कन्विंस करना है कि अबू मेरा जवाब लॉक कर दें। आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोज है, क्या मशवरा है भाई, कौन सा जवाब लॉक करूं ये बताएं भाई, आप दोनों मशवरा करके तय कर लें। और कुमेल भाई कह रहे हैं कि जो अबू कहें, क्या ख्याल है? हर किसी की अपनी अपनी राय है, सही है, जमहूरियत है, जमहूरियत है। लेकिन आपने फाइनल एक राय करनी है जिसको हम लॉक करके बताएंगे कि जवाब सही है। आप हमें दोबारा एक दफा बता दें जी, क्या क्या? कदमों की आहट, महबूब के कदमों की आहट, वो कहते हैं कि आखिरी अल्फाज महबूब के, हाँ उसकी आवाज, यानी वो कहते हैं कदमों की आहट की आवाज, ठीक है, ये कहते हैं महबूब के आखिरी अल्फाज की आवाज, और वो कहते हैं कलम के लिखने की आवाज। अच्छा, ये मुझे तो बताया तो नहीं ना आप लोगों ने? मैंने नहीं बताया आपको। हाँ, मुझे पता भी नहीं है वैसे। नहीं पता, मैं तो अपने एक मजामीन से मतलब है कि तो आपको लग रहा है ये? मुझे हाँ लग रहा है। तो अब मेरे हिसाब से नासिर भाई सही कह रहे हैं, आपके शायद नासिर भाई ठीक कह रहे हैं, देखते हैं। पांच सेकंड है, आपने बताना है कि मैं किसके जवाब को लॉक करूं, बताएं भाई। मैं और ऑडियंस गिनने लगे, यानी वो कुमेल भाई कह रहे हैं कि नासिर भाई का जवाब लॉक कर दें, कर दें भाई लॉक। चलो भाई, कुमेल भाई के कहने पे नासिर भाई का जवाब लॉक कर दिया। तन्वीर भाई ने भी कह दिया, तन्वीर भाई ने भी कह दिया। नहीं, इन्होंने क्या कलम, इन्होंने क्या बोला, कलम किसने बोला है? कलम की खसखस को कहा है। ठीक है, नासिर भाई आपके कहने पे हम इनको जवाब लॉक कर रहे हैं। नहीं, वो तो आप नासिर भाई यही कह रहे हैं ना कि आदि का जवाब सही है। आदि भाई, आदि भाई का कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप इनका कह रहे हैं या इनका कह रहे हैं? इनका कह रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो नासिर शाह साहब के कहने पे हमने कुमेल भाई की राय के बरखिलाफ आतिफ साहब के जवाब को लॉक कर दिया, जवाब लॉक हो गया। यानी कि आतिफ साहब कह रहे हैं कि कलम के चलने की आवाज को कहते हैं शरीर खामा। देखते हैं कि कुमेल भाई की राय सही थी या नासिर भाई का जवाब सही था। जवाब आएगा आपकी स्क्रीन पर, नासिर शाह साहब का जवाब बिल्कुल सही था, कलम के चलने की आवाज को शरीर खामा कहते हैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो यानी कि फायदा हो गया कुमेल भाई को वालिद साहब की राय के साथ चलने का, और इस गेंद में 6 रन स्कोर हो गए। तालियां बजाते, बिल्कुल सही जवाब हो गया, वाह वाह। किसी वजह से ही बोला जाता है कि बाप बाप होता है। सही। लेकिन अगला जो राउंड है, इसमें मेरा ख्याल है कि आपकी राय शायद ज्यादा अहम हो, शायद, क्योंकि सवाल ऐसा है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी गेंद की तरफ। चलें जनाब, सवाल ये नासिर साहब और कुमेल साहब, क्या आपके ख्याल में बेटे बाप से क्या चार चीजें हैं जो छुपाते हैं आमतौर पर? बहुत सारी चीजें होती होंगी, लेकिन हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने जाहिर है वही चार जवाब दिए जो सबसे ज्यादा जो बहाने इस्तेमाल किए जाते हैं या जो बातें लोग छुपाते हैं। तो बेटे बाप से क्या छुपाते हैं, इसमें चार जवाब हैं। आपने एक एक करके मुझे बताना है, मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सी बात ठीक है। आज एक्सपोज हो जाएंगे और ये तो बताएंगे, आज समझ जाएंगे वही छुपाया है इन्होंने, ये समझ जाएंगे। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा और बाबा का ये कि मैंने आज तक नहीं छुपाया। हाँ, कहता तो मैं भी यही हूँ। तो अब बच्चे ज्यादा, अक्सर बच्चे जो है वो सिगरेट का पैकेट छुपाते हैं। अच्छा, सही है, ओके। मैं तो जी पलवान हूँ, मेरा बेटा मुझसे खाना छुपाता है, मैं उससे खाना छुपाता हूँ। खाना ले, खाना छुपा रहा है। आपने तो कुछ नहीं छुपाया होगा जिंदगी में, लेकिन आमतौर पर लोग क्या छुपाते हैं? हाँ, आपके ख्याल है बेटे बाप से क्या छुपा रहे होते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो भी वो कोई बुरा काम करते होंगे, हाँ, तो वो जरूर छुपाते हैं। मसलन कोई एक बताए बुरा काम, तो बहुत ज्यादा। आपने अपने आप बता, आपने वाले साहब से अपने सबसे ज्यादा क्या चीज छुपाई नाज़िर भाई, अपने बचपन में, अपनी जवानी में? ऐसी चीज थी नहीं छुपाने वाली, समझ रहे हैं? मुझे लगता है इनके पास जगह नहीं थी। बच्चे वो अगर कोई आजकल के जमाने में स्मोकिंग करते हैं तो वालदैन से सबसे पहले वो छुपाते हैं सिगरेट नोशी, एक जवाब लॉक करें। वो कहते हैं सिगरेट नोशी। वैसे मेरा भी ये ख्याल है कि सिगरेट नोशी जाहिर करनी नहीं चाहिए, करनी है, लेकिन अगर कोई करे, मैं इंकरेज नहीं कर रहा, तो कम से कम ये इतना मलूज खातिर रखना चाहिए कि ये मेरा ख्याल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ करनी चाहिए भाई, लेकिन क्या इन चार जवाबों में से एक जवाब ये है या नहीं है सिगरेट नोशी, ये बता दें मुझे कि ये, ओ ये नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी तीन ऑप्शन दो, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप आ जाए। एक छोटा बच्चा है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ सिक्स क्लास का, ये बच्चा क्या छुपा रहा है अपने बाबा, अपने वाले साहब से, क्या ख्याल है? एक बच्चा है, रिजल्ट ये समझते हैं, अगर आप चाहें तो रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, अगर आपको लगता है कि जवाब सही है, हमने साइन भी किए हैं, साइन भी करके भिजवा दिए वापस।
मैंने बचपन में वैसे रिपोर्ट कार्ड छुपाया था। अच्छा पकड़े गए। और हमने साइन भी किया खुद, अब्बू का साइन करके भिजवा दिया। अल्लाह अकबर। चलो भाई समझ रहे भाई, तो रिपोर्ट कार्ड कर ले, तो रिपोर्ट कार्ड को लॉक करें। कुमैल भाई तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहे हैं ये रिपोर्ट कार्ड छुपाया जाता है। बताएं भाई इसमें रिपोर्ट कार्ड है या नहीं बता दें। रिपोर्ट कार्ड छुपा रहे हैं भाई, आपने कभी रिपोर्ट कार्ड छुपाया? नहीं। तो आप इनके कान खींचेंगे, मैंने जो काम नहीं किया तुमने क्यों? नहीं, इन्होंने पकड़ लिया था। पकड़े गए थे? हुआ क्या, आप कौन सी क्लास में थे? मैं बोर्डिंग में पढ़ता था, कैडेट कॉलेज में। अच्छा। तो अब एक तो कैडेट कॉलेज में थे और बोर्डिंग में भी थे। सही है। तो वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड हमने खरीद दिया और बना के इनको भेजा कि मेरा ए सबसे ए आया, उनको दे दिया आपने। तो ही कॉल्ड मी, बड़ा कांग्रेचुलेशन किया, खर्ची वर्ची भेजी बड़ी। अच्छा। वो कुछ दिनों के बाद वो जो असली कार्ड है वो पहुंच गया, वो घर पे पहुंच गया, पोस्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने तो खर्ची नहीं भेजी। फिर 3 महीने तक पॉकेट मनी बंद हो गई थी। उसके बाद कॉल आई नासिर भाई की, असली रिपोर्ट कार्ड पहुंचने का बोर्डिंग में था ना, तो कॉल नहीं आई तो बस वो पॉकेट मनी बंद कर दी। कितने अरसे पॉकेट मनी बंद रही? 3 महीने। आपने ये तो नहीं कहा अब्बा छोड़े, डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या नकली, ये तो नहीं कहा भाई रिपोर्ट कार्ड। अच्छा और अच्छा, अब मैं एक और हिंट देता हूँ। अब ये बच्चा 3-4-5 में था तो रिपोर्ट कार्ड छुपा रहा है, अब ये बच्चा जरा बड़ा हो गया है, जरा जवान हो गया है, अब ये जरा इधर उधर भी देख रहा है, अब क्या छुपा रहा है ये लड़का? आपने क्या छुपाया यूनुस भाई? मैं तो बहुत कुछ, जब आप 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 अभी के जितने साल के, क्या छुपाते हैं? गर्लफ्रेंड को इस तरह से बात कर बच्चे। अच्छा जी जी, मैंने वैसे कभी फीमेल फ्रेंड नहीं छुपाई लेकिन लोग छुपाते हैं। मजाक कर रहे हैं। कह रहे भाई रिपोर्ट कार्ड के तक तुम मान सकते हो, ये कैसे मानूं मैं? फीमेल फ्रेंड नहीं छुपाई, नहीं भाई, हमेशा गार्डन में खुला लेके बैठे। मैंने मिलवाया है वाले से। आपने मिलवाया? नहीं, आप कह रहे लोग छुपाते हैं, आपने नहीं कहा? नहीं, लोग छुपाते, बच्चे छुपाते हैं। आपके ख्याल में सही हो गया जवाब? हां ये सही। और आपके ख्याल में इनका भी जवाब सही कि उन्होंने ऐसा मामला कभी नहीं छुपाया आपसे? नहीं, हम काफी फ्रैंक है लेकिन ऐसे की नौबत आई भी नहीं। अच्छा। इसकी मिसेज भी, मेरी बहू भी सुन रही होगी। घर भी जाना है। सही है। तो भाई वो कह रहे हैं यानी कि खवातीन का मामला या मतलब इससे रिलेटेड कोई भी मामला, मोहब्बत या ऐसा कोई, क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, क्लासमेट यानी फीमेल, मोहब्बत या ऐसा कोई, क्या ये एजुकेशन में? हां ये सही है। अच्छा एक और हिंट देता हूँ, आखिरी जवाब है। अब ये बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जब और बड़ा हो गया है, अब ये जवान खून है, तो ये क्या हो सकता है? मतलब घर वाले किस बात पे नाराज हो सकते हैं? मॉल में जाके छेड़म छाड़ी का? नहीं यार, क्या हो गया उससे? निकले भाई इस माहौल से, और भी काम हो रहे हैं दुनिया में। नहीं, आप सख्त नाराज हो गए, घर वाले सख्त नाराज हो रहे हैं? नहीं मतलब कभी जख्म वखम लगा हुआ हो गया है और बंदा क्या फड़ा, फड़ा, फड़ा। एक तो है ना कि इकरार उल हसन के साथ कुछ हो गया तो वो तो एक अजीम काम कर रहा है तो वो तो नहीं छुपाएगा, लेकिन अगर कुछ और हो गया, हाँ फड्डा वड्डा टाइप के, शायद शायद ही हो सकता है जवाब। क्या कोई कोई वो जो ज्वाइन कर ली उन्होंने सियासी जमात? ऐसा तो नहीं है। तो भाई हाँ भाई क्या क्या हो सकता है? हिंट 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 हाँ हिंट दे दिया ना, फड्डा दे दिया, कोई लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। वैसे मैंने इसको आसान तो कर दिया है, अब देखते हैं कि ये मैंने लेकिन सारी उसमें सारी लड़ाई झगड़ियां सब आपकी तरफ फेंक रहे हैं, सब सब आगे पड़ोस में इधर उधर, ये ग्राउंड में, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, शॉपिंग मॉल में। भाई वैसे आप कभी कभी लड़बड़ के आए कभी? आप कभी लड़ाई नहीं? वैसे आपका मिजाज लगता तो नहीं है ना, आपकी कभी कोई लड़ाई वड़ाई हुई नहीं कभी? यानी एक होता है लड़ाई में पीटने वाला, कभी पिट पिट के आएगा कभी ऐसा? कभी ऐसा लिया ही नहीं पंगा, पंगा ही नहीं लिया ऐसा कभी? आप कभी कभी नहीं कभी वो मतलब स्टूडेंट जमाने में पीएमएसओ पीपीओ कभी? अच्छा कभी कॉलेज वाले में झगड़ा नहीं हुआ? नहीं नहीं। तलबा तंजीम वंजीम आप कभी? अच्छा कोई झगड़ा कभी कभी लड़ाई? अभी यूनियन, अभी चेयरमैन बिलावल साहब ने बहाल की, सिंध पहला सूबा बन गया जिसे तलबा यूनियन बहाल की, गुड डिसीजन आई थिंक। इसके नॉर्म्स तय होने चाहिए जो कि हुए हैं, लेकिन अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल में। लड़ाइयाँ भाई हमने नहीं छुपाई, वो कह रहे हैं लेकिन लोग छुपाते होंगे, लड़ाइयाँ हैं या नहीं भाई बता दें? बिल्कुल सही, ओके। मोहब्बत भी छुपा रहे हैं और लड़ाइयाँ भी छुपा रहे हैं, बता क्या रहे हैं भाई आप? अब्बा को सब कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन इसमें 3 जवाब सही हो गए, तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं नासिर शाह साहब और कुमैल भाई। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अगली गेंद खेलते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। खुश आमदेद कहते हैं आपको, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं M10 क्विज खेल और बहुत सारे इनाम भी जीते। कल मैच है लाहौर और इस्लामाबाद का, मैं क्विकली प्रेडिक्शन ले लूं कौन जीत रहा है भाईजन कल आपके ख्याल में? वसीम भाई मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत। इस्लामाबाद सर, मैं लाहौर के साथ चले। लाहौर जनाब। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद सर। लाहौर। ओके भाईजान। लाहौर। राइट सर। इस्लामाबाद। हाँ जी। लाहौर।
यूनुस भाई लाहौर, क्योंकि शायद शादाब खान ना खेले इस्लामाबाद से, तो थोड़ा सा वीक लग रही है मुझे। क्या ख्याल है नासिर भाई? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। कुमेल साहब, दिल तो चाह रहा है कराची किंग्स लेकिन लाहौर। सही है, ठीक है। चलो भाई क्विकली बढ़ते हैं अपने आखिरी गेम की तरफ। चलो भाई, भाई आपने 10 सेकंड में यानी 3 सवाल 30 सेकंड, ये बताएं आपके ख्याल में ये गेंद किधर जा रही है नासिर भाई और कुमेल भाई? ए बी या सी किधर मारेगा बैट्समैन इस गेंद को, किस तरफ हिट करेगा? क्या लग रहा है कुमेल साहब और नासिर साहब, दोनों आपस में मशवरा कर सकते हैं। 5 सेकंड आपको देता हूं, यूनुस भाई से मशवरा ले सकते हैं भाई। सर हां जी, ए बी या सी बैट्समैन गेंद किधर मारेगा आपके ख्याल साइड पे जाएगी, किस तरफ जाएगी आपके ख्याल में? बी। नासिर साहब को लग रहा है बी और कुमेल साहब को भी लग रहा है बी, दोनों का ख्याल है बी आपके ख्याल में। मुझे भी बी, लेकिन मुझे सी, बी सी में से, लेकिन मुझे सी लग रहा है। यूनुस भाई को सी लग रहा है, लेकिन हम बी, बी जवाब बी लॉक करते हैं। देखते हैं कि जवाब किसका सही है। बॉलर आए गेंद की, क्या बात है भाई, वाह वाह जबरदस्त। ओहो बाबा ने वैसे सिक्सर भी कहा तो दोनों सही हो गए। हां यस यस यस, ये गेंद बताएं किधर जाएगी आपके ख्याल में, ए बी या सी में से? हां भाई नासिर शाह साहब, ये तो बी में, वो कह रहे हैं भाई ये तो, मतलब ऐसे उन्होंने ऐसे कहा कि मतलब तो जाहिर सी बात है बी में जाएगी, आपका क्या ख्याल है कुमेल साहब? कुमेल भाई को ए या बी में से लग रहा है, लेकिन हम लॉक बी करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कुमेल का ख्याल है ए, लेकिन नासिर भाई ने बी कहा और कुमेल साहब का जवाब सही था, लेकिन जवाब गलत हो गया क्योंकि हमने लॉक बी किया था। ये बताएं आखिरी जवाब, ये अरे ये किधर जाएगा भाई, ये तो घर जाएगा, क्या करेगा ए बी सी में से, ये क्या लग रहा है? तो रिवर्स स्वीप खेल रहा है, अजीब वो गरीब हाँ हालत में खड़ा है बैट्समैन। हाँ नासिर साहब को ए लग रहा है, कुमेल साहब सोच रहे हैं, क्या लग रहा है कुमेल भाई? ए। कुमेल भाई को भी ये लग रहा है और नासिर भाई क्या लग रहा है? यही लग रहा है, उनको भी ये लग रहा है। यूनुस भाई सही जवाब लॉक हो रहा है आपके ख्याल में? कुमेल भाई ने बड़ा अच्छा वो किकवेल दिखाया आपने, रिवर्स स्वीप है, लेकिन ये सच्ची दिखा के खपी। हाँ मुझे लग रहा है कि ये ए या सी में कहीं जा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सही कहा उन्होंने, लॉक करते हैं ए। सबका ख्याल है कि ये जवाब सही है, दिखाए भाई बॉलर आए गेंद की, ओए गलत हो गया जवाब। ये पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसा होता है कि कुछ सियासी और गैर सियासी कभी कभी लोग ये भी करते हैं कि एक ही दिखा के सी की तरफ मार देते हैं। तो ये आपका वैसे मुस्तकबिल में इलेक्शन वेलेक्शन लड़ने का इरादा है, मूड बन गया है सर? अभी तो ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ कोई एम पी एम एन ए का इलेक्शन लड़वा रहे हैं आप? फिलहाल तो काम कर रहे हैं, वर्कर है अभी तो चेयरमैन का। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत सारी तालियां हमारे मेहमानों के लिए। और सर ये फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा है और ये WP बाय हिमानी की तरफ से खुशबुओं का तोहफा है, बहुत सारे ये आप दोनों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के लिए, अभी बहुत सारी तालियां बजा दें और जिंदगी सेहत रहे। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज। पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।